मुन्नू लग गया है नाश्ता करने। यहाँ दीदी लग गई है नाश्ता करने। यहाँ दीदी लग गई है नाश्ता करने। चलो भाई देखो अपने क्या करता। तो दीदी मेरे लिए फिर नाश्ता ले आई है। सुबह का जो नाश्ता है ना वो दीदी के हाथों परोसा जाता है मेरे लिए, और जो दिन का रात का खाना होता है मेरे वो मेरे द्वारा बनाया जाता है, लेकिन परोसा किसके हाथ के द्वारा जाता है, जीजू के हाथ का। जीजू ले जाता है क्योंकि नीचे चले आती है तो जीजू ले जाता है प्यार से। तो मेरे हस्बैंड आ चुके हैं मंदिर से और ये अपने लिए सेल्फ सर्विस करते हैं, मतलब ये किसी को बस नहीं देते, अपने आप खाना ले लेते हैं। ओ भाई ये क्या है? ये चाय हमने मुन्नू के लिए बनाई थी लेकिन इन्होंने बोला कि इन्हें दी जाए तो ये पहले इन्हें दे देते हैं और मुन्नू के लिए दूसरी बना देते हैं। ये है कि ये लड़ते नहीं है, लड़ाई में भी ये भरपूर है। इनकी क्या बोलते हैं भोली सूरत पे मत जाना। तो ऐसे भी वीडियो एडिट कैसे की जाए? अभी मैं वीडियो एडिट कर रही थी, ये दोनों ऐसे बैठ गए मेरे ऊपर। मैं वीडियो एडिट ऐसे में कैसे करूं बताओ? इन दो बंदरों के साथ वीडियो एडिटिंग कैसे होगी भाई? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो अदिति के पापा आ गए, मतलब कि जीजू आ गए ऑफिस से, तो बस इसकी नजर रहती है बैग में। पापा थैंक यू बोलो पापा को। तो इसे अभी जीजू ने बोला कि जूते कहाँ हैं तेरे, तो ये जूते लेके आ गई है अपनी बहन के। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आप अपने दीदी के सूट क्यों पहन रहे बेटा? को पहन रहे हो शूज? दीदी के शूज क्यों पहन रहे? क्यों पहन रहे? भाग के। दिखाऊंगी जीजू जैसे दीदी के पास जाएंगे ये देखना हटाएगी। ये नोच के अभी जीजू को जख्मी करने वाली है। ओह माय गॉड। मिल गई ठंडक। हाय हाय इतना सुकून। तो ये फिर दोबारा जीजू को चेक कर रही है कि अगर धीरे लगे तो एक बार और मार दूं। आवल पापा अदिति को सिर्फ और सिर्फ अपने पापा पे ज्यादा प्यार आ रहा है। ऐसा कुछ तो किया है जीजू ने जिसकी वजह से सिर्फ और जो निशान है हल्का सा ये अदिति ने मारा है। अब सॉरी बोल रही है, ये सर पे हाथ रख के सॉरी बोलती है, पूरा खतरनाक वाला सॉरी बोलती है। कहती सॉरी, कह रहे कान मिल नहीं रहे, कहाँ लगे कहाँ बन। तो सबसे अच्छा काम लगता है बच्चों का ये है कि बच्चा अपने पैर का अंगूठा पी रहा है। अदिति कैसे कर रहा था तू, करिए जरा दोबारा। नहीं करेगा अब ये शेर मेरी और आता हुआ, और दूसरा शेर भी आ गया। फिर छोटा पक्षी चले गया अपने बिल में। सही पकड़े हैं। अरे घर आइए, नीचे से एक बच्ची इसका नाम नाइश है। तो इसे बालों का इतना शौक है कि ये स्कल्ट लगा के आ रखी है। ये देखो
वाह क्या एक्टिंग कर रहा है।